हेलो फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया में या बोले तो उत्तर भारत में बारिशें बहुत हो रही हैं और हमारे यहाँ एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जो पौधे हमारे बाहर रखे हुए हैं उनको बारिश के बाद, बारिश से कैसे बचाना है ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसके बाद आपको कैसे अपने पौधों के क्या कर सकते हैं, कैसे उनका रखरखाव करना चाहिए, क्या देखना चाहिए उन पौधों में, क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो जिससे कि वो ठीक रहें। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि आप अपने बगीचे में जाएं और देखें। तो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जो पौधे हैं, गमले हैं, उनमें पानी तो नहीं भरा हुआ है। अब फ्रेंड्स, आप क्या मैं कहूँ, मेरे प्रॉब्लम ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉइल। मेरे किसी भी गमले में इतना पानी भरता नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कि देखो ऐसे पानी भरता है, ठीक है। बल्कि मैं नीचे थोड़ी प्लेट लगा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे कई पौधों में पानी कम हो जाता है, तो उनका पानी नीचे से जो तश्तरी उसमें लगी रहती है उसमें डाल देती हूँ कि मॉइस्चर उनमें बना रहे। तो वो तश्तरियाँ जो है वो लगी रह गई कई पौधों में, उनमें पानी भर गया है। नाउ दैट वाटर इज हार्मफुल फॉर द प्लांट। सो अगर आपने ऐसी प्लेट्स पानी निकलने के लिए लगाई हुई है, दूसरा बहुत लोग इसलिए भी लगाते हैं कि उनका फर्श ना खराब हो जाए, जमीन उनका जो गमलों के नीचे की फर्श है वो गंदा ना हो जाए, पानी निकलने की वजह से निशान ना पड़ जाए, तो उनमें आप चेक करिए कि उनमें तो पानी नहीं भर गया। जैसे कि आप इनमें देखिए, आइए फ्रेंड्स, आप ये 2 गमले देख रहे हैं, ये मेरे मिल्कवीड के गमले हैं। फूल बहुत सुंदर आते हैं इसमें, लेकिन पानी सूख जाता था इनका, इसलिए मैंने इसके नीचे ये प्लेट्स रख दी थी कि पानी थोड़ा मैं इसमें डाल देती हूँ तो ये पानी, नमी इसमें बनी रहती है और मेरे पौधे सूखते नहीं है, फूल सूखते नहीं है। अब बारिशों में ये निकालना नहीं था, अब पानी ये भर गया है। अब ये जो पानी भरा है, क्योंकि मॉइस्चर भी एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा है और इसमें भी पानी है, मिट्टी भी बहुत गीली है, तो आपका पौधा खराब हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये पानी हटा देना चाहिए, ये। और जब तक आप बारिशें हैं तब तक इन प्लेट्स को अब हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये मेरे 3 गमले थे, ये तीनों में से मैं हटा देती हूँ इनको, पानी अब इनमें रुकेगा नहीं और मेरे पौधे ठीक रहेंगे। ये मेरे मिल्कवीड के पौधे हैं। नहीं तो क्या होता है, इसकी जो टिप्स है ना फ्रेंड्स, ये एकदम विल्ट कर जाती हैं पानी की कमी की वजह से, ऐसे गिरे गिरे से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक तो आपको अपने बगीचे में जाके ये देखना है, आइए दूसरा देखते हैं। साथियों, बारिशों में फिर ये हो जाता है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो हमारे जो कुछ लंबे पड़ते हुए पौधे होते हैं तो वो झुक जाते हैं, पानी इतना तेज बरसता है कि उनकी टहनियां बेंड कर जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरा मिराबिलिस का पौधा है, ये अच्छा खासा लंबा जा रहा था लेकिन इसकी टहनी यहाँ से ये झुक गई है। तो इसमें हम जरूर, आप स्टेकिंग जरूर करिएगा। इस समय जब हम बगीचे में आए हैं पानी थम गया है, तो अगर हम इसमें अब स्टेकिंग इसको स्ट्रेट करके नहीं करेंगे तो दोबारा जब बारिश होगी तो ये और गिर जाएगा और फिर आखिर में क्या होगा, यहाँ जड़ से निकल जाएगा और आपका पेड़ ये खत्म हो जाएगा। तो स्टेकिंग मतलब आप इसमें, ये स्टेक है मेरा, इसको आप सपोर्ट दीजिएंगे, इससे ये खड़ा हो गया स्ट्रेट। एंड नाउ हम लोग इसको एक स्ट्रिंग की मदद से बांध देंगे। फ्रेंड्स, ये बांधने का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर आप कैमरा थोड़ा सा और पास ला सकें और हमारे फ्रेंड्स अच्छी तरह देख सकें। ये देखिए, ये स्टेक है और ये स्टेम है जो गिरी थी, इसको सहारा अब इससे मिल गया तो ये खड़ी हो गई है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों चीजों को ऐसे लेकर के और यहाँ पे एक गांठ बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी टाइट लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे बांध देते हैं यहाँ से इसको लेके और दोनों को बांध दिया, दोनों आपस में टिक गए। दिस इज अ रॉन्ग मेथड फ्रेंड्स। आपको करना क्या चाहिए, ट्राई टू फिगर आउट अ फिगर ऑफ 8। तो
इसको यहाँ से लाइए, ऐसे अलग स्टेम से, वो ये जो आपने स्टेक लगाया इसमें से 8 क्रॉस कर लीजिए इसको, और फिर इसको इसमें से लेके आइए। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में आप ये देख रहे हैं, ये गैप बना रहेगा, ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल अलग इनको करके रख लीजिए, तो जिससे आपका स्टेम जब बढ़ेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्टेक से बिल्कुल अलग है लेकिन जुड़ा हुआ भी है। इस तरह से आप करने की कोशिश करिए जब आप स्टेकिंग करते हैं। आइए और देखते हैं कि हम लोग पौधों में क्या करेंगे। साथियों फिर आप ये देखिए कि आपका कोई प्लांट डैमेज तो नहीं हुआ है। डैमेज होने से मतलब है कि जैसे ये मेरी तोरी की बेल है, ये देखिए बाकी सब ऊपर अच्छी तरह से ये चढ़ी हुई है, इसमें ये एक टहनी इसकी लटक के हवा से बारिश से नीचे को आ गई है और इसमें तोरियां भी लगी हुई हैं, तो इसको हमें बचाना है। तो इसको आप वापस सपोर्ट दीजिए जिससे कि आपकी टहनी खराब ना हो। ये बहुत जरूरी ऑपरेशन है दे करने के लिए। ये देखिए हमने इसको वापस ऊपर कर दिया है, अब ये ठीक हो गई है। इसमें भी मैं दिखाना चाहूंगी नीचे बैगन में, देखिए गमले में 10 इंच के गमले में ये पौधा मेरा लगा हुआ है। अब क्या है, बैगन के भार से और बारिश के जोर से ये सारे टहनियां जो हैं नीचे गिर गई हैं। अब अगर ये बैगन अभी चूंकि छोटे हैं तो टूटी नहीं टहनी, नहीं तो यहां से ये यकीनन टूट जाती, तो अगली बारिश में ये टूटे नहीं इसके लिए हम इसको सपोर्ट देंगे। ये टहनी है, बहुत आराम से जिधर फल लगा है उस तरफ से उठाइए, ऊपर करिए, एंगल देख के स्टेक करिए और इसको यहाँ पे हम बांध देंगे। इसी तरह से ये वाली जो दूसरी लटक रही है नीचे, ये भी भगन हमारे गिर ना जाए इसके लिए भी हम ये सपोर्ट इसको देंगे और इसको भी हम यहाँ रोक देंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों में स्टेकिंग जरूर करिए, ऊपर जा अपने बगीचे में जाके जरूर इस बात को देखिए कि आपके पौधे ठीक है कि नहीं, और अगर गिर गए हैं तो उनको सही कर लीजिए। फ्रेंड्स कई बार हमारे जो गमले होते हैं इनका नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वो ब्लॉक हो जाता है और पानी बरसात का हमारे गमलों के अंदर भर जाता है। अब जैसे इस तरह से इतना घना पेड़ है, आपको पता नहीं लगता है सॉइल, क्योंकि इसकी दिख नहीं रही है कि इसमें पानी भरा है कि नहीं भरा है, तो हम थोड़ा सा टिल्ट करके जब चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए हम ये जो इसका ड्रेनेज होल है इसको किसी ऐसे शार्प उससे लकड़ी से इस तरह से आप थोड़ा सा पुश करिए, तो ये देखिए मिट्टी अपने आप थोड़ी सी ऊपर को सरक जाएगी और आपका ये जो होल है अच्छी तरह से खुल जाएगा, और फिर आप इसको रख लीजिए, अब आपका पानी इसमें कतई नहीं रुकेगा क्योंकि हमारी मिट्टी जो क्लॉग उसमें कर रही थी होल को वो निकल गई है और क्रॉक्स भी सेटल हो जाएंगे ठीक से, अब अपने आप बिल्कुल भी अब पानी इसमें नहीं रुकेगा। और अगर आपको फिर भी अंदेशा लगता है तो व्हाट वन थिंग यू कैन डू इज कि आप इस गमले को इस तरह से बारिश के टाइम पर टिल्ट करके रख दें, ऐसे अपने जो गमले हैं जमीन पे रखें और इस तरह से झुका के रख दें, उससे भी क्या होगा पानी इसमें जमा ही नहीं होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब बारिशें खत्म हो जाए आइए आप और वापस इसको इस तरह से स्ट्रेटन अप कर दीजिए। फ्रेंड्स बारिशों के बाद अपने गार्डन में जाके ये जरूर देखिए कि कहीं फर्श के ऊपर जमीन के ऊपर आपका पानी की जो निकासी है वो रुक तो नहीं रही है, आपकी जो स्लोप है या ड्रेनेज है कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है, उसका जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वहां पानी जमा रहेगा तो वहां स्लिपरी हो सकता है, फिसलन हो सकती है, काई जमा हो सकती है और उस एरिया में जाकर फिर आपको चलने में प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो इसलिए इस बात का जरूर ख्याल करिए कि आपके बगीचे में कहीं पर भी पानी जमा ना हो, स्पेशली जो आपकी सब्जियों की क्यारियां हैं उनमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, उनकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि पानी
निकल जाए उसमें से, खत्म हो जाए बारिशों के बाद, सूखी रह ऊपर से ड्राई हो जानी चाहिए, पानी उसमें रुका हुआ दिखना नहीं चाहिए। और फिर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपकी मिट्टी कच्ची है, क्यारियां हैं और मिट्टी कच्ची है, तो उस मिट्टी पर आप चलिए नहीं, क्योंकि क्या होता है कि चलने से जो पौधे की जड़ें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, मिट्टी मुलायम हो जाती है बारिशों के बाद, आप चलेंगे तो वो दबेगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी, और उससे फिर पौधों की जड़ों का जो एरेशन है वो कम हो जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि क्यारियों के पास की जो गीली मिट्टी है उस पे आप चले नहीं। फ्रेंड्स, इस मौसम में बगीचे में जाके आपको ये देखना बहुत बहुत जरूरी है कि ये जो स्नेल्स और स्लग्स होते हैं ना, ये किस तरह से निकल के आते हैं बहुतायत में और आपके पौधों के पत्ते जो हैं उनको नष्ट करते हैं, खा लेते हैं बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो बहुत ज्यादा आपको इनके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। जस्ट हैंड पिक देम एंड किसी डिब्बे में या कंटेनर में डाल दीजिए, कहीं दूर ले जाके इनको छोड़ आइए। ये बहुत निकलते हैं, इनका आप जरूर ख्याल रखिए बगीचे में जाके, बी अ कीन ऑब्जर्वर और उनको पैनी नजर से देख के हटा दीजिए। फ्रेंड्स, जब हमारे पौधों के ऊपर तेज बारिश गिरती है, तो जो पौधे गमले में है स्पेशली, तो अगर उनकी मल्चिंग नहीं हुई है तो आप ये देख रहे हैं मिट्टी छिटक के निकल जाती है बारिश की बूंदों के साथ, और ये जो आपकी जड़ें हैं ये एक्सपोज हो जाती हैं। अगर ये जड़ें एक्सपोज रहेंगी और आपने ध्यान नहीं रखा, तो जब बाद में धूप निकलेगी तो ये जड़ें आपकी जलेंगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा थिक मल्च करके इनको रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, क्योंकि जो पानी है वो आपके मल्च के ऊपर गिरेगा और आपकी सॉइल अच्छी तरह से इंटैक्ट रहेगी। तो आप बारिशों के बाद ये भी जाके अपने बगीचे में ध्यान करके देखिए कि किन पौधों में से मिट्टी निकल गई है, तो उनको वापस अच्छी कंपोस्ट या गोबर की खाद से कवर कर दीजिए और अच्छी तरह से मल्च कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली बारिशों से मिट्टी उनकी बाहर ना निकल सके। फिर साथियों, अपने बगीचे में बारिश के बाद ये जरूर देखिए कि फंगल डिजीज का अटैक तो नहीं हो रहा है आपके पौधे के ऊपर, कहीं आपके पौधे की टहनियां या पत्ते काले तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआत होती है और आप इसको अगर अभी छोड़ देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका पौधा इस डिजीज से मर भी सकता है। अब इस पौधे को आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटा पौधा है और हरा भरा था अच्छा खासा। एक तो इसमें स्नेल्स लगे हुए थे, मैंने अभी हटाए, इसमें 2-3 स्नेल्स चिपके हुए थे, और दूसरे ये पत्ते इसके काले पड़ रहे हैं। ये देखिए, इसके अभी भी यहाँ पे स्नेल नीचे एक पड़ा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और जैसे ये लग गई है डिजीज, इसमें फंगस, ये पौधा आपका काला होने लग रहा है, तो आप अभी से इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। इसको कहीं अंदर हम रखेंगे और इस पे फिर हम फंगल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट देंगे। सो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम एंजॉय करिए, अपने पौधों को भी एंजॉय करने दीजिए, बाहर निकल के उनका ख्याल रखिए जिस तरह से हम लोग अपना ख्याल रख रहे हैं इस समय, और टेक केयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक गुड बाय।